बूंदी की पसाट लाइट के इस प्रथम चरण के लोकार्पण समारोह में बूंदी के विधायक माननीय अशोक डोगरा जी, मंच पर विराजे सभी अतिथिगण, बूंदी के सभी भाइयों और बहनों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। बूंदी वो ऐतिहासिक शहर है जिसकी शौर्य वीरता की गाथा हिंदुस्तान के बाहर विदेशों के अंदर भी है। जब बूंदी की शौर्य की कहानियां जब मैं दुनिया के अंदर देख सुनता हूं, वहां लिखी लिपिबद्ध को जब देखता हूं, तो मुझे भी अपने आप पे गर्व होता है कि मैं उस इलाके का सांसद हूं। जब इटली के अंदर बूंदी की हाड़ी रानी की कहानी लिखी हुई लिपिबद्ध हमने देखी, तो दत्ता जी भी मेरे साथ थे। हमने कहा कि कोटा की शौर्य की कहानी नहीं, बूंदी की शौर्य की कहानी हिंदुस्तान के बाहर लिखी हुई है, और वहां के लोग मानते थे कि किस तरीके से वीरता और शूरता, बलिदान और त्याग, ऐसा हो सकता है क्या? आज भी हम जब हाड़ी रानी की कहानी को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमारी विरासत कितनी समृद्ध थी, हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध थी, और किस तरीके से वीरता और शूरता के रूप में राजस्थान का नाम देश नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसीलिए बूंदी की त्याग और बलिदान की धरती को, जिसको देखने दुनिया के लोग आते हैं, और जब दुनिया के लोग बूंदी को देखने आते हैं तो मेरा दायित्व बन जाता है कि बूंदी को शौर्य वीरता की धरती के साथ इसको पर्यटन की धरती भी बनाई जाए। मुझे याद है, क्योंकि मेरा तो मेरे पिताजी बूंदी में पैदा हुए, मेरे दादाजी बूंदी में थे, तो हमारा व्यक्तिगत लगाव तो निश्चित रूप से इस बूंदी से बरसों पुराना है। लेकिन एक मन में विचार जरूर आता था कि जो बूंदी का जो विकास जिस दृष्टि से होना चाहिए, जिस नियोजित तरीके से बूंदी का विकास होना चाहिए, उस तरीके का नियोजित विकास बूंदी का नहीं हुआ। और मुझे बूंदी से एक बार टिकट भी मिला था, मैं फार्म भी पढ़ने आ गया था यहां पर, और मेरा बूंदी से टिकट कट भी गया था। शायद परिस्थितियां फिर पलटी और फिर मुझे बूंदी का दायित्व मिला। लेकिन मैं जब देखता था कि बूंदी में आज भी दुनिया का पर्यटन आता है, होटलों में ठहरता है, छोटी जगह ठहरता है, ज्यादा स्थान देखने के नहीं है, लेकिन विदेशी पर्यटकों की आज भी अगर कई इस हाड़ोती में कई आना जाना है तो बूंदी के अंदर है। और इसीलिए हमें एक अवसर है कि हम और पर्यटकों को आकर्षित करें, ताकि लोगों को रोजगार मिले, आर्थिक रूप से लोग मजबूत हों, क्योंकि दुनिया के अंदर कई प्रदेश और देश ऐसे हैं जहां आमदनी ही पर्यटन की है। मैं तो दंग रह जाता हूं जब मैं उस देश की आबादी देश में जाता हूं, मैं पूछता हूं आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है, तो कई देश बताते हैं कि रेवेन्यू मॉडल 70% पर्यटन से, कोई 70% पर्यटन से, कोई 50% पर्यटन से।
तो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन बहुत बहुत दूर का विजन, दूरदर्शी विजन है। जब विदेश में जाते हैं तो एक बात कहते हैं, हिंदुस्तान वालों जो वहां प्रवासी हैं, कि एक काम जरूर करना, अपने 10 लोगों को हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत और विविधता को देखने जरूर देखना, क्योंकि हमारी विविधता इतनी है। अलग अलग प्रदेश, प्रदेश के बाद हर जिले की अलग अलग हमारी विविधता, संस्कृति, विरासत, इतिहास, दुनिया के अंदर ऐसा कहीं नहीं है। अब दुनिया भारत की ओर आकर्षित होने लगी और भारत की ओर आर्थिक रूप से निवेश भी कर रही है और पर्यटन की दृष्टि से भी भारत दुनिया के अंदर तेजी से आगे बढ़ेगा। और मैं जब उनसे चर्चा करता था तो उनको मैं समझता था कि गुजरात में कोई पर्यटन स्थान नहीं था, सोमनाथ जाते थे, द्वारका नाथ जाते थे, धार्मिक पर्यटन था। लेकिन उन्होंने जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तो एक एक स्थान को पर्यटन स्थल कैसे किया जा सकता है, कैसे समुद्र के किनारे सफेद जो नमक होता था उसको कहा कि डेजर्ट, और दुनिया वहां पर घूमने आने लगी। अभी केवड़िया के अंदर एक स्थान बनाया जहां पर केवल पहले सरदार सरोवर बांध बना था, बांध के बाद फिर दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की लगाई और उसके बाद वहां के तालाब को जोड़कर एक केवड़िया नया पर्यटन का स्थल बन गया। ऐसे कई स्थान उन्होंने डेवलप किए। भारत में आप चले जाओ, भारत मंडपम में जो G20 हुई, आने वाले समय में विश्व की सेमिनार प्रदर्शनियां वहां पर होगी। अभी यशोभूमि का उद्घाटन किया, हमारी P20 यशोभूमि में होने वाली है। उस यशोभूमि के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर बनाया जहां प्रदर्शनी लगेगी और 6,000 लोग एक साथ एक ऑडिटोरियम में बैठ सकेंगे और सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। ऐसे कई सारे स्थान भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप करने जा रहे हैं। जब हम उनसे सीखते हैं तो हमें भी लगता है कि हमारे संसदीय क्षेत्र में कुछ कुछ ना कुछ होना चाहिए। अभी बनारस में 450 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, पहले अहमदाबाद में बना, तो हमने कहा चलो हम छोटा शुरुआत करते हैं। अभी 20 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम शुरू हुआ है, 25 करोड़ का और स्वीकृति की ओर है तो 25 करोड़ का हो जाएगा। एक समय बदलेगा तो कहा है 100 करोड़ का बनाएंगे। तो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सारी स्पोर्ट्स की गतिविधियां, मुझे तो लगता है बूंदी के अंदर कभी विचार क्यों नहीं आया कि स्पोर्ट्स के अंदर यहां पे कभी स्विमिंग पूल में नहीं देखा, प्राइवेट भी नहीं देखा, निजी भी नहीं देखा। स्विमिंग पूल नहीं, ऑडिटोरियम नहीं, खुला ऑडिटोरियम नहीं, सिंथेटिक ट्रैक नहीं। मुझे जब सिंथेटिक ट्रैक बूंदी में मैंने सेंशन करने तो फाइल पे लगा दिया, 40 किलोमीटर इलाके के अंदर 2 सिंथेटिक ट्रैक नहीं बन सकते। मैंने अधिकारियों को बुला के रखा, कोई दुनिया का नियम है क्या? तो अब सिंथेटिक ट्रैक बन गया, बास्केटबॉल कोर्ट बन गया, इंडोर गेम बन गया, वहां लाइब्रेरी बनेगी, रास्ता बनेंगे, अंडरग्राउंड पार्किंग बनेगी, रहने के लिए छात्रावास बनेंगे। तो जो जो आवश्यकता है दुनिया के अंदर, बढ़िया एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता है, वह सारी की सारी यहां पर बनेगी, ताकि हम एक स्थान को डेवलप करके एक स्थान पर सारी स्पोर्ट्स की गतिविधियां कर सकें, सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकें, कई कल्चर कार्यक्रम कर सकें और बच्चे खेल सकें। जब आप इस सीन को देखोगे और सीन को दुनिया को दिखाओगे तो दुनिया आजकल ऑनलाइन आती है, और मेरा दावा है ये पहला चरण है, प्रथम चरण। मैंने बूंदी में वादा किया था कि जब द्वितीय चरण होगा उसके बाद हाड़ौती के नहीं, तमाम पर्यटक रात को देखने आएंगे तो बूंदी को देखने आएंगे।
एक पसाज लाइट से एक ऐसा सुंदर बूंदी, जब यहां की छतियों को देखता हूं, यहां के किले को देखता हूं, कि बावड़ियों को देखता है, कि तालाब को देखता हूं, हमारे कुछ साथी जो बहुत चिंता करते हैं, उन्होंने इस नवल सागर की सफाई के लिए भी मुझे कागज दिया है। मैंने प्रयास जिला कलेक्टर साहब को पता है, हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन आज परिणाम निकलेगा और इस नवल सागर और जितने भी तालाब है उनको साफ करेंगे, एकदम साफ सुथरा करेंगे, और पानी बरसात का कैसे आ सकते हैं, आ सकते हैं। और फिर कुछ कमियां हैं, कुछ परेशानियां हैं, लेकिन आने वाले समय में जहां आवश्यकता होगी बोटिंग भी चलाएंगे ताकि पर्यटन स्थल ठीक से डेवलप हो सके। अब जब आप देखो किले को, जब इस किले पे लाइट लगेगी और वहां से ऊपर से जब चलता आदमी देखेगा तो चमकता को देखेगा। मेरा दावा ये प्रथम चरण है, बहुत छोटा चरण। इस पसाज लाइट में 25 करोड़ रुपए से लेकर 50 करोड़ लगाकर बूंदी के हर किले, तालाब, बावड़ी, रावड़ी सब को हम ऐसा चमक कर देंगे। रात को मैं भी आ रहा था तो मुझे अंधेरा दिख रहा था, रोड लाइटें बंद थी। यहाँ कई बार मुझे मंत्री लोग सवाल मांगते हैं, साहब बिरला जी घोषणा बहुत करते हैं। हाँ करते हैं, कागज में कुछ नहीं होता, अब उनको कागज भी ला के दिखाऊंगा। मैं जब स्टेडियम की बोली तो उन्होंने कहा घोषणा घोषणा है, स्टेडियम का काम चलता दिख रहा है। मैंने जब पसाज लाइट की बात बोली थी, लोगों ने कहा पसाज लाइट की क्या, पसाज लाइट लगेगी, कोई घोषणा है, आज पसाज लाइट का चरण हो रहा है। मैंने जब कहा था कि लाइट एंड साउंड शो यहां पर होगा 10 करोड़ का, लोगों ने कहा कि कोटा में ही नहीं है तो बूंदी में कहां से लाइट एंड साउंड शो होगा। मैं उन लोगों को कागज भी लेके आया हूं, ये लाइट साउंड को की स्वीकृति का कागज भी लेके आया हूं। मैंने तो जिला कलेक्टर महोदय से कहा था, कलेक्टर साहब 300 करोड़ हुडको से लोन ले लो, बूंदी की गली गली को सुंदर बना देंगे, चमन बना देंगे। पर नगर पालिका ने कहा कि हम कैसे लें, कौन चुकाएगा, क्या करेगा। मैंने कहा पूरा वक्त आपका नहीं रहना, वक्त बदल रहा है, इसलिए चिंता मत को सब चुका देंगे आप। तो वक्त को बदलने का काम करो, बाकी हम पर छोड़ दो। बूंदी के अंदर दुनिया का पहली अगर पसंद होगी पर्यटन के रूप में तो बूंदी की होगी, शौर्य की रानी। मैं बूंदी के लोगों को कहना चाहता हूं कि इनका इतिहास, चित्रलेखा, बावड़ी, किले, इन सबको हम ऑनलाइन बताना चाहिए। ऑनलाइन साइट तैयार करूंगा इसकी, और पर्यटन दुनिया के अंदर बूंदी के पर्यटन को डेवलप करने के लिए जितने भी भारत के दूतावास हैं वहां पर बूंदी का एक अलग इतिहास दुनिया वाले पढ़ सके और दुनिया उसको देखने के लिए आकर्षित आ सके, ये काम आने वाले समय में हमें करना है। कुछ परेशानियां रहती है क्योंकि स्वीकृति और प्रस्ताव राज्य सरकार देता है, जमीन का मालिक राज्य सरकार होता है। मुझे पिछली बार कलेक्टर साहब ने कहा था कि हमारे पास 400-500 कुछ जमीन पड़ी हुई है, एग्रो पार्क लग जाए। कलेक्टर साहब चिंता मत करो, एग्रो पार्क भी चलेगा। आज बूंदी के अंदर जितना भी इंडस्ट्रीज वाला है वो इंडस्ट्री वाला कोटा में इंडस्ट्री लगाना चाहता है। चावल इंडस्ट्री यहां है, सोयाबीन की इंडस्ट्री यहां है, सरसों की यहां है, और फ्यूल की लगने वाली है, और आने वाली एग्रो बेस का सबसे बड़ा सेंटर ये बूंदी होगा। और इस एग्रो सेंटर के साथ प्रोसेस सेंटर लगने के बाद यहां पर जितने किसान हैं उन किसान की आमदनी भी बढ़ेगी, और प्रोसेस करने के बाद लोगों को जो इंडस्ट्री लगेगी रोजगार मिलेगा। और आने वाले समय में इस कोटा बूंदी कॉरिडोर बनने के बाद 3-3.5 घंटे के अंदर बॉम्बे दिल्ली और 5-6 घंटे के अंदर बॉम्बे जब सामान पहुंचने लगेगा तो यह स्थान इंडस्ट्री सेक्टर के रूप में डेवलप होगा। इसलिए बूंदी की पहचान कोई अलग अलग तरीके पहचान, बूंदी में चले जाओ तो सैंड स्टोन की पहचान है। इसलिए बूंदी की पहचान अपने आप में बड़ी पहचान है। आप निश्चित मानो कुछ परेशानियां, कुछ दिक्कतें रहती है, आप जल्दी से उन परेशानियों दिक्कतों को ठीक करो, बाकी हम सब ठीक कर देंगे, आप चिंता मत करो।
बूंदी की सड़कें, मैंने बोला ना आपको, सही कह रहे हैं ये, बैठो बैठो, ये सही कह रहे हैं। जो आपकी पीड़ा है, मैंने नगर पालिका को उस समय पीड़ा व्यक्त की थी और मैंने कहा था, एक मिनट, और कहा था ये 300 करोड़ रुपए हुटको से लोन ले लो, अपन सारी बूंदी की सड़कों को सीसी करके चमन कर देंगे, लाइट लग देंगे। तो बूंदी ने उस प्रस्ताव पर साइन नहीं किए, उन्होंने कहा पैसा कौन चुकाएगा, मैंने कहा पैसा हम चुकाएंगे, आप तो कागज लो जल्दी बनाओ, आप चिंता मत करो जल्दी बना देंगे। देखो कितना सुंदर लगा, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।